दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विक्टोरियन एज की एक बहुत बड़े नोवेलिस्ट और सोशल क्रिटिक चार्ल्स डिकेंस की लाइफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। विक्टोरियन एज में सीरियल्स से नोवेल्स को पब्लिश करवाने वाला ट्रेंड फेमस किया था चार्ल्स डिकेंस ने। दोस्तों, ये एक नोवेलिस्ट थे, एक सोशल क्रिटिक थे और चिल्ड्रन लिटरेचर में भी इन्होंने बहुत काम किया है। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे पूछा था कि मुझे इनकी लाइफ पर वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, तो आप लोगों ने कहा था, कई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया था दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, इसको एंड तक देखना, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। शुरू करते हैं। चार्ल्स डिकेंस अपने टाइम के सबसे फेमस, विक्टोरियन एज की सबसे फेमस नोवेलिस्ट थे, जिनको आज भी लोग उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ते हैं जितना इनके खुद के टाइम पर लोग पढ़ते थे। इनका पूरा नाम था चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस, जो कि अपने वर्क से उस वक्त की सोसाइटी का क्रिटिसिज्म भी करते थे। और इन्होंने अपनी नोवेल्स में वर्ल्ड के सबसे फेमस कैरेक्टर्स को डिज़ाइन किया है, जिन्हें कोई एक बार पढ़ने के बाद में भूल नहीं सकता। और इनसे पहले कोई भी ऐसा राइटर नहीं था जिसके जीते जी उसको अपने लाइफ टाइम में इतनी सक्सेस मिल गई हो। यहाँ तक कि विलियम शेक्सपियर को भी डेथ के बाद में ही सक्सेस मिली थी इतनी। इनके बाद की एज में 20th सेंचुरी के क्रिटिक्स और स्कॉलर्स भी इनको लिटरेरी जीनियस बोलते थे। इनका बर्थ हुआ था पोर्ट्समाउथ नाम की जगह पर। बचपन में ही डिकेंस ने स्कूल छोड़ दिया था और फैक्ट्री में काम करने लगे, क्योंकि इनके फादर पर कर्जे बढ़ गए थे और उनको जेल में डाल दिया गया उनके कर्जदारों ने। तो उसके बाद इनको फैक्ट्री में काम करना पड़ा। अब देख लो, जिस आदमी को फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, उसने लाइफ में 20 सालों तक एक लिटरेरी जर्नल को चलाया, 15 नोवेल्स लिखी, 5 नोवेलाज लिखी, सैकड़ों शॉर्ट स्टोरीज लिखी, नॉन फिक्शन आर्टिकल्स लिखे, चिल्ड्रन लिटरेचर लिखा और सोशल रिफॉर्म्स पर भी लिखा। कमाल है। डिकेंस को लिटरेचर में सक्सेस मिलना शुरू हुई 1936 से, जब इन्होंने सीरियल से अपनी फर्स्ट नोवेल द पिकविक पेपर्स को पब्लिश करवाया था और उसके कुछ सालों बाद ही ये इंटरनेशनली लिटरेरी सेलिब्रिटी बन गए। इनकी नोवेल्स मंथली और वीकली इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिश होती थी सीरियल से। इस तरह विक्टोरियन एज में सीरियल से नोवेल्स को पब्लिश करवाने में डोमिनेट करने वाले बने चार्ल्स डिकेंस। इन्होंने सीरियल से नोवेल पब्लिश करवाने वाले ट्रेंड को फेमस कर दिया। एक लिटरेरी डिवाइस का यूज़ करते थे ये, क्लिफ हैंगर्स। ये एक लिटरेरी वर्क्स में यूज़ की जाने वाली लिटरेरी डिवाइस है। इसके जरिए राइटर ऑडियंस में सस्पेंस क्रिएट करता है। चार्ल्स डिकेंस अपनी स्टोरी की एंडिंग्स में इस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ करते थे। सीरियल्स से तो वैसे ही पब्लिश होती थी नोवेल्स, तो सस्पेंस बना रहता था। और चार्ल्स डिकेंस को तो ये सीरियल से नोवेल्स पब्लिश करवाने में बहुत फ़ायदा था। कैसे? वो ऑडियंस का रिएक्शन पता चलता था उनको, और वो कैरेक्टर्स को भी ऐसे डिज़ाइन करते थे कि मुझे ऑडियंस का फीडबैक भी मिलता रहे। जिस सोसाइटी के लिए डिकेंस नोवेल्स लिख रहे थे, तो उसमें ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको भी हर महीने एक नया एपिसोड मिलता था, तो वो अपना स्ट्रेस मिटाने के लिए वो पढ़ते थे। और पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, तो डिकेंस ने पढ़ने वालों की तादाद भी बढ़ाई। 1843 में इनकी एक बहुत ही फेमस नोवेला पब्लिश हुई थी, अ क्रिसमस कैरल, जो बड़ी पॉपुलर हुई और बहुतों को इसने इंस्पायर किया। ऑलिवर ट्विस्ट और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ने भी विक्टोरियन एज की शुरुआत में लंदन की हालत बताई। फिर 1859 में इन्होंने एक हिस्टोरिकल फिक्शन लिख डाला, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जिस नोवेल की सेटिंग थी दो सिटीज़ में, लंदन और पेरिस। पेरिस फ्रांस की सिटी थी, लंदन ब्रिटेन की। ये नोवेल कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल थी, ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन भी था। तो लिटरेचर में डिकेंस ने इतना नाम किया कि जहाँ भी ये जाते थे लोग इनकी बातें करते थे, इनके लिए तालियां बजाते थे। दूसरे राइटर जैसे लियो टॉलस्टॉय, जॉर्ज ऑरवेल, ये सब इनके रियलिज्म, प्रो स्टाइल, यूनिक कैरेक्टर्स और सोशल क्रिटिसिज्म की तारीफ करते थे ये सब। लेकिन कुछ राइटर्स ऐसे भी थे जैसे ऑस्कर वाइल्ड, हेनरी जेम्स और वर्जीनिया वुल्फ। इनका ये मानना था कि इनकी नोवेल्स का सिर्फ प्लॉट ही अच्छा होता था जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लिखी जाती थी। साइकोलॉजिकली इनकी नोवेल्स में कोई गहराई नहीं होती थी, राइटिंग बड़ी लूज होती थी और बेकार के सेंटिमेंट्स ये डालते थे इनकी नोवेल्स में, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे आज हम देखते हैं डेली सोप्स वगैरह, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, एक्स्ट्रा इमोशंस डाल करके, एक्सट्रीम इमोशंस डाल करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि मज़ा क्रिएट हो। तो उस टाइप की नोवेल्स मानते थे ये, साइकोलॉजिकली कोई गहराई नहीं थी नोवेल्स में, ऐसा मानते थे ये राइटर्स। चार्ल्स डिकेंस को शुरू से नोवेल्स पढ़ने का शौक था, जैसे टोबायस स्मॉलेट की नोवेल्स, हेनरी फील्डिंग के वर्क्स, तो ये सब पढ़ते पढ़ते वो रॉबिन्सन क्रूसो, अरेबियन नाइट्स, इन सब नोवेल्स को भी पढ़ा था और ये सब दिमाग में बैठ गए इनके। और इनके वर्क्स में आप इन राइटर्स के इन्फ्लुएंस को देख सकते हो। 1830 में चार्ल्स डिकेंस की मुलाकात होती है मरिया बिडनल से, इनको प्यार हो गया। और एक नोवेल है डेविड कॉपरफील्ड, उसमें एक कैरेक्टर है डोरा का, तो वो इसी मारिया पर बेस्ड है। लेकिन मारिया के पेरेंट्स इस रिश्ते से राजी नहीं थे, उन्होंने मारिया को पेरिस भेज दिया।
इसके बाद चार्ल्स डिकिन्स आते हैं जर्नलिज्म में, लेकिन डायरेक्ट नहीं। 1832 में जब ये 20 साल की उम्र में थे तो बड़ी एनर्जी थी इनमें, सेल्फ कॉन्फिडेंट था कि कुछ करना है लाइफ में, लेकिन कुछ क्लियर नहीं था कि लाइफ में आगे करना क्या है। लेकिन दिमाग में बस इतना था कि फेमस होना है, पता नहीं कैसे लेकिन होना है। तो एक कोवेंट गार्डन में इन्होंने थिएटर के लिए एक्टिंग का ऑडिशन दिया। वहाँ मैनेजर और एक्टर ने चार्ल्स डिकिन्स को देखा, ये बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन उसी टाइम पर इनको कोल्ड हो गया और इन्होंने अपना ऑडिशन मिस कर दिया। फिर लाइफ में एक और अपॉर्चुनिटी आई राइटर बनने की। 1833 में इनको अपनी फर्स्ट स्टोरी अ डिनर ऑफ पॉपुलर वॉक के लिए सबमिट कराया इन्होंने एक लंदन की एक मंथली मैगजीन को। उस टाइम तक इनके मामा ने इनको पॉलिटिक्स में लगा दिया, वहाँ जाकर ये पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बन गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम करते थे। और तब दोस्तों इन्होंने एक निकनेम निकाला, मोसेस। मोसेस जो था ये ओलिवर गोल्डस्मिथ की एक नोवेल है विकर ऑफ वेकफील्ड, वहाँ से ये मोसेस बना बोसेस और बोसेस से बना बोज। ये बोज जो निकनेम है दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, इसको नोट कर लेना। चार्ल्स डिकिन्स ने इस निकनेम बोज को बहुत यूज़ किया है। अब ये जर्नल्स को एडिटिंग का काम चल रहा था तो इनकी मुलाकात होती है जॉर्ज होगार्ट से। उन्होंने डिकिन्स को इनवाइट किया तो वहाँ आना जाना डिकिन्स का बढ़ गया, क्योंकि होगार्ट में इतना इंटरेस्ट इसलिए आ रहा था डिकिन्स को क्योंकि इनकी दोस्ती सर वॉल्टर स्कॉट के साथ में थी। ये डिकिन्स के हीरो थे सर वॉल्टर स्कॉट। अब थोड़ी थोड़ी इनके करियर में प्रोग्रेस आने लगी, बड़े बड़े उस टाइम पर लिटरेरी फिगर्स से दोस्ती बढ़ने लगी इनकी। फिर इनकी मुलाकात होती है इनके फर्स्ट पब्लिशर जॉन मैक्रोन से। फिर इनको ऑफर मिलता है, चैपमैन एंड हॉल नाम की एक पब्लिशिंग कंपनी थी, उनको अपना टेक्स सप्लाई करेंगे। तो रॉबर्ट सेमोर नाम के एक ब्रिटिश इलस्ट्रेटर थे, वो मंथली लेटर प्रेस के लिए लिखने वाले राइटर थे, उन्होंने सुसाइड कर ली थी पिकविक पेपर्स का दूसरा इंस्टॉलमेंट पब्लिश करवाने के साथ ही। तो डिकिन्स को मौका मिला कि ये लिखना चाहते थे तो इन्होंने अपना मोस्ट पॉपुलर वर्क पिकविक पेपर्स लिखा। लेकिन इसके पहले कुछ एपिसोड्स से इतने पॉपुलर नहीं हुए क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं था किसी लेजेंड ने लिखना शुरू कर दिया है। तो फोर्थ एपिसोड में जाकर ये वर्क पॉपुलर हुआ और फाइनल एपिसोड तक आते आते लगभग 40,000 कॉपीज फाइनल एपिसोड की बिक चुकी थी। 1836 में पिकविक पेपर्स को इन्होंने कंप्लीट किया और फिर ऑलिवर ट्विस्ट पर काम शुरू कर दिया, उसके भी लगभग 90 पेजेस ये एक मंथ के अंदर लिखते थे। फिर 1838 में ये पब्लिश हुई और चार्ल्स डिकिन्स की बेस्ट स्टोरी बन गई दोस्तों ऑलिवर ट्विस्ट। एक बात दोस्तों यहाँ पर नोट कर लेना, नोट करने वाली है कि ये फर्स्ट विक्टोरियन नोवेल थी ऑलिवर ट्विस्ट जिसमें एक बच्चा कहानी का प्रोटैगनिस्ट था। इसी बीच चार्ल्स डिकिन्स ने कैथरीन से शादी भी कर ली, लेकिन उनकी 17 साल की एक बहन थी कैथरीन की जिसका नाम था मैरी, उससे डिकिन्स का बड़ा अटैचमेंट हो गया था, जिसकी डेथ डिकिन्स के हाथों में ही हुई थी 1837 में बीमारी के कारण। तो डिकिन्स को शौक लगा था और कुछ समय के लिए इन्होंने अपना काम बंद कर दिया था। अब इसके बाद एज ए नोवेलिस्ट इनकी सक्सेस बढ़ती जा रही थी, ये गेन करते जा रहे थे अपनी सक्सेस। तो उस वक्त क्वीन विक्टोरिया यंग ही थी तो इनके वर्क्स पिकविक पेपर्स और ऑलिवर ट्विस्ट उन्होंने पढ़े और आधी रात में इनके वर्क्स को डिस्कस किया करती थी वो। इसके बाद 22 जनवरी 1842 में ये अपनी वाइफ के साथ गए यूएस पहली बार। तो उन्होंने वहाँ पर यूएस में न्यूयॉर्क सिटी में एक महीना गुजारा, लेक्चर्स दिए, और उस वक्त अमेरिका में इनके वर्क्स की पायरेटिंग हो रही थी तो इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ पर एक क्वेश्चन उठ रहा था उस वक्त। तो अमेरिका में भी ये बहुत ही पॉपुलर थे, इनकी पॉपुलरिटी बहुत थी। इसके बाद ये कनाडा गए और उसके बाद ये वापस इंग्लैंड लौट कर आए, फिर अपने वर्क क्रिसमस कैरल पर काम करना शुरू किया जो कि बहुत ही पॉपुलर था। फिर 1844 में ये इटली गए, फिर स्विट्ज़रलैंड गए। इस वक्त तक दोस्तों ये अपनी राइटिंग्स के लिए बड़े सीरियस हो गए थे। चार्ल्स डिकिन्स ने दोस्तों अपने आठवें बेटे का नाम, एट्थ सन का नाम रखा था हेनरी फील्डिंग डिकिन्स। ये हेनरी फील्डिंग डिकिन्स डिकिन्स के सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था और इन्होंने ये नाम अपने फेवरेट ऑथर हेनरी फील्डिंग के नाम पर ही दिया था। पहले ही अपने बेटे का नाम रखना चाहते थे ऑलिवर गोल्डस्मिथ, कि ऑलिवर गोल्डस्मिथ भी इनके फेवरेट ऑथर थे। फिर इनको लगा कि ऑलिवर ट्विस्ट मैंने लिख रखी है तो इसका मजाक बनेगा, इसका मजाक बनाया जाएगा, इसलिए इन्होंने हेनरी फील्डिंग नाम रखा। डिकिन्स ने फ्रांस में भी हॉलीडेज बनाए थे। 1846 में इन्होंने पेरिस में स्पीच दी थी और बोला था, फ्रेंच लोगों के लिए बोला था, द फर्स्ट पीपल इन द यूनिवर्स। इसी बीच उन्होंने डेविड कॉपरफील्ड को लिखा दोस्तों। उस वक्त इनके दोस्त जॉन फॉस्टर ने डेविड कॉपरफील्ड के लिए लिखा था अंडरनीथ द फिक्शनली समथिंग ऑफ द ऑथर्स लाइफ। और ये नोवेल दोस्तों डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकिन्स की पर्सनली सबसे फेवरेट नोवेल थी क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को बताया है। फिर टेविस्टॉक हाउस में जाकर 1851 में इन्होंने ब्लीक हाउस और हार्ड टाइम्स जैसे फिक्शंस को लिखा
और इस टाइम तक ये एक प्लेराइट विल्की कॉलिंस से बड़े क्लोज हुए। फिर अपनी इनकम से इन्होंने गैड्स हिल प्लेस खरीद लिया और 1851 में इन्होंने अपने प्ले द फ्रोजन डीप के लिए एक्ट्रेसेस को हायर किया। तो उन्हीं एक्ट्रेसेस में एक एक्ट्रेस थी एलन टर्नन। दोस्तों एलन टर्नन से इनके अफेयर थे, और एक नाम और है एलन टर्नन का, नैली टर्नन। ये भी ध्यान रखना, एलन टर्नन और नैली टर्नन दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। या फिर नैली रॉबिन्सन, ये भी इन्हीं का ही नाम है। उनसे चार्ल्स डिकेंस को प्यार हो गया था 45 की एज में, और नैली थी उस वक्त 18 साल की। तो नैली टर्नन के लिए, एलन टर्नन के लिए अपनी वाइफ कैथरीन को छोड़ने का मन बना लिया था चार्ल्स डिकेंस ने 1858 में। अब जब इन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ा, इसके बाद ये बहुत सारी जगहों पर घूमे। 1859 में इन्होंने अपना मास्टरपीस वर्क अ टेल ऑफ टू सिटीज़ लिखा। फिर 1861 में इन्होंने अपना दूसरा मास्टरपीस वर्क ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लिखा। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एक हिस्टोरिकल फिक्शन है जिसकी 200 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं, और ये बेस्ट सेलिंग नोवेल ऑफ ऑल टाइम बन गई। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी सही निकली। 9 जून 1865 को डिकेंस नैली के साथ में लौट रहे थे पेरिस से। अनफॉर्चुनेटली इनकी ट्रेन क्रैश हो गई, आगे के सारे डिब्बे गिर गए और फर्स्ट क्लास के डिब्बे बच गए जिसमें चार्ल्स डिकेंस बैठे थे, तो ये तो बच गए। लेकिन ट्रेन क्रैश में जो लोग घायल हुए थे, तो डिकेंस ने मदद की अपनी ब्रांडी देकर, पानी देकर, और बहुत सारी लाइफ्स को बचाया। उस वक्त तक ये अपना वर्क अवर म्यूचुअल फ्रेंड लिख रहे थे। दोस्तों ये इनका लास्ट वर्क था जो पूरा नहीं लिखा था इन्होंने। अब ट्रेन क्रैश के बाद में डिकेंस बहुत नर्वस हो गए थे और ट्रेन में सफ़र करने से घबराने लगे थे। फिर दूसरी बार ये जब यूएस गए, तो रैल्फ वाल्डो एमर्सन, इसके बाद ये दूसरी बार यूएस गए थे तो वहाँ पर रैल्फ वाल्डो एमर्सन, हेनरी वॉर्डस्वर्थ लॉन्गफेलो और पब्लिशर जेम्स थॉमस फील्ड से मिले। फिर जून 1870 में इनकी डेथ हो गई। वेस्टमिंस्टर एबी पार्ट्स कॉर्नर में इनको दफनाया गया, और चार्ल्स डिकेंस के आखिरी शब्द थे ऑन द ग्राउंड। अब लिटरेरी स्टाइल की बात करें, तो ये किस टाइप के लिटरेचर से इन्फ्लुएंस थे? सबसे पहले तो पिकोरेक्स नोवेल्स, ये जो ट्रेडिशन था इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इसके अलावा मेलोड्रामा, नोवेल्स ऑफ सेंसिबिलिटी जो सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग वगैरह लिखते थे, और द अरेबियन नाइट्स, लॉरेंस स्टर्न, हेनरी फील्डिंग, सॉमलेट, रिचर्डसन, इन सब के ट्रेडिशन को फॉलो किया डिकेंस ने। हेनरी फील्डिंग की जो नोवेल थी टॉम जॉन्स, उसका मेजर इन्फ्लुएंस था इन पर। फैंटेसी और रियलिज्म को दोनों को मिक्स कर देते थे, और मेलोड्रामा दोस्तों इनके बाद में नोवेल्स का ट्रेडिशन बन गया था। चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफर क्लेयर टॉमलिन ने शेक्सपियर के बाद में इंग्लिश फिक्शन में ग्रेट कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करने वाला, ऐसे कैरेक्टर्स जिनके नाम बहुत सनकी टाइप के होते थे, ऐसे कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करने वाला बताया है चार्ल्स डिकेंस को। वर्जीनिया वुल्फ इनके लिए लिखती हैं कि हमको अपनी साइकोलॉजी की जियोग्राफी को फिर से रिमॉडल, यानी कि फिर से तैयार करना पड़ेगा अगर हम डिकेंस को पढ़ते हैं तो। T.S. Eliot बोलते हैं, एक्सेल्ड इन कैरेक्टर्स इन द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी देन ह्यूमन बीइंग। इनको दोस्तों लंदन का मैजिक लालटेन माना जाता है, जिन्होंने बहुत से लोगों की नोवेल्स को इंस्पायर किया है। और एक खास बात, ये अपने वर्क्स में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को डालते थे, जो कुछ इन्होंने अपने रियल लाइफ में देखा था, रियल लाइफ के कैरेक्टर्स को ही उठाते थे, डिज़ाइन करते थे, खास करके अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को, एक्सपीरियंसिस को। 1913 में इनकी पिकविक पेपर्स पर एक साइलेंट फिल्म भी बन चुकी है, और इनके जीते जी भी काफ़ी इनके वर्क्स पर फिल्में बन चुकी थी। फिलिप कॉलिंस ने इनके वर्क ब्लीक हाउस को इनका एक क्रूशियल आइटम माना है। विलियम वर्ड्सवर्थ इनके लिए बोलते थे, वेरी टॉकेटिव वल्गर यंग पर्सन, जॉर्ज मेरेडिथ के हिसाब से इंटेलेक्चुअली लैकिंग। हेनरी जेम्स इनके लिए बोलते थे, द ग्रेटेस्ट सुपरफिशियल नोवेलिस्ट, यानी कि ऐसा नोवेलिस्ट जो सीरियस ना हो। वर्जीनिया वुल्फ को इनके वर्क्स पसंद भी थे और पसंद नहीं भी थे। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही।